I'm having halahal in my throat. No need to test me for corona. One second. You are insulting me. No. Even if you don't agree that I am not Shiva, it is okay. I am not going to die in corona. Don't tell me whatever I am going to tell you. Listen. I am not going to give you the sample for corona test because Shiva, he is not having intention at all. Now, who are you to tell me? I am Shiva. From my body particle only, corona test. And it will come to an end in the month of March without using vaccine. No need of using vaccine. Okay. And all the pharmaceutical drug companies, they are going to shut down. Sir, don't do it. Yes, sir. Lower and lower. Don't come to an end. Point, 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 sir. You are not my husband now. ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा ये कोई अनपढ़ औरत है, मगर मैं आपको बता दूं, ये औरत एक गोल्ड मेडलिस्ट है और एक स्कूल की प्रिंसिपल है। आज की कहानी आंध्र के नायडू फैमिली की है कि कैसे एक पढ़ा लिखा परिवार सुपरस्टिशन के चपेट में आ गया और उन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया जिसका रिग्रेट उन्हें आज तक नहीं है। ये कहानी सुनकर शायद आपको बुरारी केस की याद आ जाए। इस केस को सेकंड बुरारी केस भी कहा जाता है। आइए जानते हैं आंध्र के नायडू फैमिली की कहानी मेरी जुबानी। आंध्र प्रदेश चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट मदनपाले में ये नायडू फैमिली रहता था, जिसमें कुल चार फैमिली मेंबर्स थे। बड़ी बेटी आलेखिया 27 इयर्स ओल्ड, छोटी बेटी साई दिव्या 22 इयर्स ओल्ड, उनकी मॉम पद्मजा 50 इयर्स ओल्ड और उनके फादर पुरुषोत्तम नायडू 55 इयर्स ओल्ड। इनकी पूरी फैमिली एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। पुरुषोत्तम जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तौर में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उनकी वाइफ पद्मजा एक गोल्ड मेडलिस्ट थी जो उन्हें मास्टर्स इन साइंस में मिली थी और वो करीब 20 सालों से आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग देती थी एट मास्टरमाइंड आईआईटी टैलेंट स्कूल और इतने साल वहाँ पढ़ाने के बाद उन्हें वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया गया था। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काफी ज्यादा एजुकेटेड थे एंड दे वर फाइनेंशियली स्टेबल सिंस दे हैड हाई पेइंग जॉब्स। नायडू फैमिली एक टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह थी जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार तो करते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई को लेके उतने ही स्ट्रिक्ट होते हैं। 12th तक दोनों माँ बाप ने अपनी बच्चियों की पढ़ाई पर बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई लेकिन 12th कंप्लीट होने के बाद अपनी बच्चियों को पूरी आजादी दी टू चूज देयर ओन कोर्स एंड टू चूज देयर ओन करियर पाथ। अब ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि आज भी इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों पर करियर का बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं और एक ऐसा करियर पाथ चूज करने के लिए कहते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने अपनी बैचलर्स बैंगलोर में कंप्लीट करने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री का पाथ अपने लिए चुना और उसने AR रहमान डांस एंड म्यूजिक अकेडमी में आगे पढ़ने की सोची। उनकी बड़ी बेटी आलेखिया ने भोपाल से अपना डिप्लोमा मैनेजमेंट में कंप्लीट किया और वो इसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए तैयारी करने लगी। 2020 कोरोना के टाइम नायडू फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई जो उनके पुराने घर से बहुत अच्छा था। नायडू फैमिली हमेशा अपनी सक्सेस के लिए, अपनी उन्नति के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। ये सारी फैमिली हाईली एजुकेटेड थी मगर ये भगवान पे विश्वास रखते थे और उनकी पूजा अर्चना भी करते थे। ये सारे फैमिली मेंबर्स शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और हर दिन वो शिव जी की पूजा किया करते थे। अब किसी भगवान का भक्त होना ये कोई बुरी बात नहीं है। हम सब इंसान किसी न किसी भगवान में मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मगर पूजा अर्चना करना और किसी दकियानुसी अंधविश्वास पर भरोसा रखना ये दोनों बहुत अलग बातें हैं और यही डिफ्रेंसिएशन नायडू फैमिली को कभी समझ ही नहीं आया। अब हमारी भारतीय संस्कृति है कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो हम पूजा पाठ या हवन रखवाते हैं और यही अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों में भी डालते हैं। अब ऐसी ही नायडू फैमिली भी थी। पुरुषोत्तम को जब प्रमोशन मिला था तो उन्होंने घर में पूजा पाठ और हवन रखवाया था और ऐसे ही वैल्यूज और संस्कार उन्होंने अपने दोनों बच्चियों में डाले थे। आलेखिया के दोस्तों को ये बात महसूस हुई कि आलेखिया अपने सोशल मीडिया पर हमेशा भगवान के बारे में, पॉजिटिव बिलीव्स के बारे में, गुडविल्स के बारे में पोस्ट किया करती थी और सेम अपने पेरेंट्स की तरह जब आलेखिया बाहर पढ़ने गई तो वो विदाउट फेल हमेशा भगवान की पूजा किया करती थी। 2020 में कोरोना के कारण उनके पेरेंट्स ने दोनों बच्चियों को घर बुला लिया था एंड सैडली वहीं से सारी चीजें खराब होना शुरू हो गई। 23 जनवरी 2021
नायडू फैमिली ने किसी कारणवश काम से छुट्टी ली थी। उनके कोलीग्स ने बताया कि नायडू फैमिली को एक बहुत बड़ी पूजा करनी थी अपना दोष मिटाने के लिए, जिसके प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम लगने वाला था, और इसी के चलते वो लोग कुछ दिन पहले से ही छुट्टी मांग रहे थे और उन्हें छुट्टी मिल भी गई। नायडूज को छुट्टी मिलने के बाद वो पूजा पाठ के प्रिपरेशन में लग गए। उनके नेबर्स के अकॉर्डिंग 24 जनवरी 2021 जो कि संडे था, उस दिन उन्होंने नायडूज के घर से कुछ मंत्र पढ़ने की आवाजें सुनी। अब ये सुबह का समय था एंड इट वॉज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो लोगों ने बिना कुछ पूछे अपने अपने काम में लग गए। 24 जनवरी 2021 यानी उसी दिन शाम 7 बजे पुरुषोत्तम जी ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया। अब ये दोस्त उनकी वाइफ पद्मजा के साथ उसी के कोचिंग सेंटर में काम करता था और इन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। जब उनके दोस्त ने कॉल उठाया तो वो लोग बहुत नॉर्मल और रेगुलर बातें कर रहे थे, मगर कुछ देर बाद उनके दोस्त को ये महसूस हुआ कि पुरुषोत्तम जी कुछ डरे हुए से लग रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप काफी घबराए हुए से लग रहे हो। तब पुरुषोत्तम जी ने अपने दोस्त से कहा कि शायद मैंने एक ऐसी चीज कर दी है जिसे मैं कभी ठीक ना कर पाऊं। और फिर उन्होंने अपने टीचर दोस्त को हर एक चीज डिटेल में बताई और ये सब सुनकर उनके दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को कॉल पर कहा कि उसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है और 25 जनवरी को उनकी दोनों बेटियां वापस जिंदा हो जाएंगी। उनके दोस्त को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसे दकियानुसी वाहियात बातें कर रहा है। उनके दोस्त ने अपने आप को संभाला और पुरुषोत्तम जी से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों उन्होंने अपनी ही बेटियों को जान से मार दिया। तो पुरुषोत्तम जी ने उन्हें शॉर्ट वे में बताया कि उनकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियां आ चुकी थी जो कि बलि चढ़ाने पर उन्हीं के साथ कलयुग में मर जाएंगी, और कल जब यानी 25 जनवरी को सत्युग शुरू होगा तो मेरी बेटियां इसी शरीर में वापस आ जाएंगी बिना बुरी शक्तियों के। सो बेसिकली उनके लिए ये एक बॉडी क्लेंजिंग रिचुअल था। ये सारी बातें सुनकर पुरुषोत्तम जी के दोस्त ने कॉल कट किया। उन्होंने फिर पुलिस को कॉल लगाया और ये सारी जानकारी दी। ये सारी जानकारी सुनने के बाद पुलिस सीधा नायडूज के घर पहुंच गई। खून के पुल में पुलिस को सबसे पहले साई दिव्या की बॉडी मिली। दिव्या के सर में त्रिशूल से वार किया गया था, जिसके बाद उसके फेस पर डंबल से वार किया था। जब पुलिस पूजा घर के अंदर गई तब उन्हें अलेखिया की बॉडी मिली, जिसके सर पर भी डंबल से वार किया गया था। उन दोनों की बॉडी को लाल रंग की साड़ी से रैप किया गया था और उनके मरने के बाद उनके सर से बाल काटे गए थे, जिसको बाद में भगवान शिव को ऑफर किया गया था ताकि अगले दिन वो दोनों लड़कियां सतयुग में अपने शरीर में वापस आ सके। पूजा रूम से बाहर निकलकर जब पुलिस वाले घर के अंदर गए तब उन्होंने देखा कि पद्मजा और पुरुषोत्तम बड़े ही आराम से बैठे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी बेटियां दूसरे कमरे में मरी पड़ी है। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि उनकी बेटियों का कत्ल किसने किया है तो पद्मजा ने बड़ी ही बेशर्मी से ये जवाब दिया कि ये सब उन्होंने ही किया है, वो भी अपनी मर्जी से, और मेरी बेटियों ने भी अपनी बलि दी है अपनी मर्जी से। Apparently the entire family believed कि उन दोनों बेटियों में कुछ बुरी शक्तियां आ चुकी थी कलयुग के कारण, जिसके चलते पूरी फैमिली अपनी बलि चढ़ाने वाली थी कलयुग के आखिरी दिन में, which was on 25th January 2021. According to them, छोटी बेटी साई दिव्या ने अपनी बड़ी बहन आलेखिया से कहा कि वो उसकी बलि दे दे, मगर आलेखिया इस बात से इनकार कर रही थी। तब साई दिव्या ने कहा कि अगर आप मेरी जान नहीं लोगे तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी और इस रिचुअल में इसे एक पाप माना जाएगा। तो अपनी छोटी बहन को पाप करने से रोकने के लिए उसने साई दिव्या के सर में त्रिशूल से वार किया। उसके बाद पद्मजा ने अपनी बड़ी बेटी आलेखिया को जमीन पर लेटाया और उसके सर पर डंबल से वार किया। वही डंबल लेकर उसने अपनी छोटी बेटी साई दिव्या के सर पर भी वार कर दिया ताकि कहीं वो गलती से बच ना जाए। अकॉर्डिंग टू पद्मजा, दोनों पर डंबल से वार करने के बाद भी वो एक घंटे तक जिंदा थी। इसका मतलब ये है कि वो दोनों तड़प तड़प कर मरी। अपने बच्चों को मारने के बाद रिचुअल के हिसाब से उन दोनों को अपनी बलि चढ़ानी थी रात के 9 बजे, मगर पुरुषोत्तम ने डर में आकर ये सारी बातें अपने दोस्त को बता दी, जिसके कारण पुलिस ने दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट होते वक्त पद्मजा जोर जोर से चिल्ला रही थी और एक साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रही थी। శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా అద్దుల పడానికి
నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచి పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. వన్ సెకండ్. वो पुलिस को चिल्ला चिल्ला के ये कह रही थी कि हम दोनों को सिर्फ एक दिन दे दो, हमारी बेटियां अपने आप ही वापस आ जाएंगी, तुम देख लेना. उसने पुलिस से ये तक कहा कि अब हमारे जाने का समय हो रहा है, हमारा प्लान खराब मत करो. पद्मजा पुरुषोत्तम पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसे कोस रही थी कि तुम्हारे कायरता और डर के कारण हमारा प्लान खराब हो गया, तुमने भगवान पर विश्वास नहीं रखा. पुरुषोत्तम और पद्मजा को दो दिन कस्टडी में रखा गया और उनसे पूछताछ की, एंड दे स्टिल बिलीव कि उनकी बेटियां अब जिंदा हो गई होंगी. बट जब पुलिस ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंड देयर डॉटर्स आर स्टिल डेड, तो पद्मजा पुलिस को ही कोसने लगी और कहने लगी कि तुम लोगों ने शिव का ऑर्डर रोका है. उसने पुलिस से ये तक कहा कि वो खुद एक शिव का अवतार है. उसने पुलिस से कहा कि कोरोना चाइना से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, बल्कि मेरी बॉडी से ओरिजिनेट हुआ है. ये सब सुनकर पुलिस को समझ आ गया कि पद्मजा एक डिल्यूशनल इंसान है और उसे कुछ मेंटल इश्यूज है, और पुरुषोत्तम भी मेंटली स्टेबल नहीं है. उसी के कारण पुलिस ने पद्मजा और पुरुषोत्तम पर कोई कार्यवाही करने से पहले उन्हें साइकाइट्रिस्ट को दिखाया. साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि नायडूज की पूरी फैमिली एक शेयर साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर करती है. दिस इज अ रेयर डिसऑर्डर जिसमें दो से ज्यादा लोग जो क्लोज रिलेशन में होते हैं एक सेम गोल या एक सेम फिनोमेना में बिलीव करते हैं. शेयर साइकोटिक डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है जो अपने गोल्स एंड बिलीव्स अपने आसपास के लोगों के दिमाग में भर देता है, और वो लोग उन्हीं चीजों में विश्वास करने लगते हैं, फिर चाहे वो सच हो या झूठ. और इस नायडू फैमिली में वो होस्ट पद्मजा थी, जिसने अपनी पूरी फैमिली पर रीबर्थ का डिल्यूशन फैला दिया था. पद्मजा और पुरुषोत्तम को पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर जो विशाखापट्टनम में है वहां भर्ती किया गया, और उनके डिस्चार्ज के बाद उन्हें सीधा मदनपाले सब जेल में भेज दिया गया. ये केस 2021 का है, मतलब अभी तक लोग दकियानूसी बातें और अंधविश्वास पर भरोसा करके लोगों की बलि चढ़ाते हैं. चांद तक पहुंच चुका है देश, मगर दिमाग से अभी तक अंधविश्वास की पट्टी नहीं खुली. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि भगवान की भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है, मगर सुपरस्टिशन पर भरोसा रखना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है. मैं उम्मीद करती हूँ कि सुपरस्टिशन से रिलेटेड आंध्र की नायडू फैमिली की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी. अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्री, सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड देन हिट द बेल आइकन.